जवना खाती आप लोग बैठल वाली ऊ जरूरी है। पांच दस मिनट संतोष भैया स्वर देखे हो भोले बाबा जोगिया हो रहा लोग कहेलन कि जेकर जैसन कर्म होला ओकर कीर्ति वैसन गवाले विदाई दू ढंग के कइल जाले फलाने निक रहला फलानी बहुत बढ़िया रहली एगो विदाई होला कि फलाने एक नंबर का चोर रहलन ये सार के तो 6 महीना पहले मरल चाहत रहे एगो विदाई उहो होला कि काकी ऐसन मेहरारू अगला गावन के हुना रहे हो दादा गांव में के हुना रहे कर्मे गवाला चाहे जिया चाहे मुआ ए भैया वो लोग कहलन कि ना कुछ लेके अइलो ना कुछ लेके जाइब लालच तो सबके मन में समाइल बा सब चाहत हो कि पूरी दुनिया पर राज हमार होखे बाकी कहल गई कैसे हेलो हेलो और अमरे भैया गया देश बाजे भोजन न कहले होखे तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके हम विनती करत बानी कि आप लोग भोजन को लिहल जाओ नहीं तो ठंडा लगी ठंडा पाला के दिन बा खाना अगर ठंडा जी तब मन ना करी तो आज के दिन कम से कम प्रसाद ही समझ के जेतनी जे के सपरे वो तनी जाके अपन खा ले मन भोजन करके आप लोग आराम से बैठी बिरहा सुनी आप लोग भोजन कर लिया तनी सा घर के लोगों के भी फुर्सत मिल जाये कहल गई कैसे दशरथ चले गए सुरधाम अरे पनि से अवधि आए श्री राम पिंडा दान किए फिर ते रही काली की जान दू तरह के नेवता लोग बाटेलन एगो नेवता ऊ बटाला फला तारीख के हमारे घरे आवे के हम फला तारीख के दिने बारात फला तारीख के दिने जब निकली बारात तब फला गांव से निकली या फला गांव में प्रस्थान करी आ एगो नेवता ऊ होला बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी माता जी या हमारे पिताजी या हमारे दादाजी हमारी दादी इस दुनिया में नहीं है एगो शुभ नेवता होला एगो अशुभ नेवता होला शुभ नेवता के टांग दिहल जाला बढ़िया से कहीं रख दिहल जाला लेकिन अशुभ नेवता जब मिलेला तो मने ये गने फारे लो जैसे 2 मिनट हाथे में ओके ले ले रही जई हो तो हाथे में खजवट हो जाई हां जलाई के हाथ काट के गिर गेल जैसे नेवता मिली वैसे मनई लेके ओके फारी दी हां बाद में पूछियो कि भैया कमवा कहिया डेटा बना देखिए अरे जैसा था हम गल तुरंत ओके चुटकिया शुरू करिए कि भगवान राम 14 बरिस बने बर्बास गइलन वियोग बर्दाश्त ना भइल राजा दशरथ अपने बेटवा राम के वियोग में मरी गइलन 14 बरिस बिता के रावण के मार के लंका पर विजयी हो करके अयोध्या आइल हवन बाबू की आत्मा के शांति बदे भंडारा कइल जैसे भैया के दरवाजे भंडारा लगल ह सब लोग दुआरे आइल ह भोजन करे बदे लोग बैठल ह जैसे यहाँ लोग बैठल ह चारों भाई भोजन परोसे बदे चलल हुअन हाथ में थाली
चारों भाई भोजन परोसत आगे बढ़त हुवन। गीत बड़ी पुरानी है, ई कोनो भौजाई अपनी ननद से सवाल के ले रहल संतोष भैया। ओ भौजाई कहे का भौजाई ये बात कहे, तू इतनी बढ़िया हो कि ऐसा ननद सबके मिले। नंदी कहलक कि इतना काहे तू आज घी लगाव तारी, कोनो बात बा। ये बतिया कहे सरगिया वाले कांटेरावा, अरे सरगिया वाले कांटेरावा, बतलाई देर लहूरी पाठक जी। ई मन बड़ा अधम हो, रुके के नाम ना लेला। कर्म करता दिनी बीत गइल हो, कर्म करता दिनी बीत गइल दिल के यार मनवा बाकी बा, अरे दिल के यार मनवा भोजन सबके करावो तड़न। बड़ा प्रेम से, बड़ा सम्मान से, आदर से ले जाके लोगन के बैठावत हुवन। पूछत बड़न का चाही, जेके जवन आवश्यकता बा लोग मांगत बा। ए घरी लोग अपने से निकाल के खात बा, केहू से केहू मांगत होगत ना हो। ढेर आदमी वही पापड़ और सलाद पर जोर मरले हूँ। ए भैया, भगवान राम भोजन अपने द्वारे करावत हुए। बाप की तेरे ही में आत्मा की शांति में सबके बोलौले हुए, सब गइल बा। कैसे देख के नेवता भगवानामा, देख के नेवता भगवानामा, सब भोजन आती हले हो करावत बड़न, सभे भोजन खात बा। ए भैया लोगन के बीच में
देवो के देव महादेव त्रिलोकी नाथ भी आके बैठल हुआ ना। अपन भेष भूषा बदल करके एक बूढ़ मनई का रूप बना के वही लोगन के बीच में आके बैठल हुआ। शिवदानी के ऊपर जब नजर पड़ल भगवान राम सोचे लगलन की आखिरी के बात। भगवान राम ध्यान लगा के देखलन शिवदानी भोले दानी के पहचान गईलन। सोच रहल हुआ कि सबके भोजन करा ले बाद में इनके भोजन कराई। आगे बढ़ल हुआ भगवान राम शिवदानी खड़ा हो गईलन। भगवान राम के ललकारे लगलन। भगवान राम घूम के तकला कला बड़का खियावे वाला भइल हुआ। हमके पहले भोजन करा ला पेट भर जाई हमके विदा कर लिया बाकी लोगन के खिया के विदा कर लिया। घूम करके भगवान राम आई हुआ शिवदानी भोले दानी के भोजन परोसत हुआ। शिवदानी भोजन करत हुआ और भगवान राम भोजन परोसत हुआ। गीतिया के भाव बदल गई है स्वर्गीय रामदेव गुरु का जवानी वाली गीत लगल है। लेकिन यहाँ अला की बात हमार मर्यादा तू भंग करे को उतारू हवा। अयोध्या का पानी लूटे को उतारू हवा। ई काम ठीक नहीं खा कर। भगवान राम का कहे अरे आई गई ला बुढ़ाऊ अरे आई गई ला बुढ़ाऊ की धनिया भागी आई गई ला बुढ़ाऊ अरे देख लीला राम रसाई होगी धनिया भागी आई गई ला बुढ़ाऊ भोजन करते शिवजी बिगाड़ मिला के बाती हो अछंखे परोसे वाला खाली सब पराती हो राम गईले सती पास धाई होगी धन्य भागी आई गई लंगड़ौ शिवदानी भोले दानी का पेट हमारे खियौले से ना भरी। गईला भंडारा घर में देखत हुअन कुछ हइए नहीं खे। भंडारा घर का भंडारी जगह जगह बैठल हुअन। भाग करके भगवान राम गईला माई पार्वती की आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गईलन। और जब भगवान राम माई पार्वती की आगे हाथ जोड़ के खड़ा भइल ह सवाल कैली ह माई पार्वती पूछ तारी। भाग करके भगवान राम गईला माई पार्वती की आगे हाथ जोड़ करके पूछ रहल हुआ कि उनका पेट कैसे भरी। माई पार्वती पूछे केकर पेट आ कैसन पेट।
कल तोरे बुढ़ऊ का पेट। माई पार्वती पूछे हम कहाँ कल अयोध्या में पेड़े में बिना कुटावल बैल बल्ले ध्यान लगौली हम आई पार्वती देखली अयोध्या में बैठल वो भगवान शिवदानी आगे आगे भगवान राम पीछे पीछे माई पार्वती जब अयोध्या नगरी अली हा ओ घरी का गीत लगल हा कैसे इहो कोनो पहले कयासिक प्यार कैले रहलन दिल से आत्मा से आत्मा का और रूह का जोन मोहब्बत होला आत्मा और परमात्मा का मिला राजकिशोर भैया एक हरी का कुछ मरत गाड़ी का लीक सुगत हुआ केहर से आई टरक की बोलेरो कह की स्कॉर्पियो अबले हम जानत नहीं कि कुकुरे सुंग के पता लगावेल अरे आदमीयो सुगत हुआ आदमीयो आउ डाकवा सुगल में ए भैया इहो प्रेमे कैले हो रामदेव गुरु जी गावे कैसे कैसे माई पार्वती आईली है कैसे अरे चली के माता अरे चली के माता भवानी पानी राखिना लेकर के भगवान राम माई कैसे अरे बिना बेटी भरे में हम मानी एक को जई है हमारी अयोध्या का मानी घोटी जई है तबाई होवे नहा अयोध्या का पानी बचावे खातिर माई पार्वती अली भंडारा घर में गईली अपनी हाथे भोजन बना के तैयार कैली और जब अपने हाथे भोजन बना के तैयार कैली बोलौली भगवान राम के अलो भगवान राम कहली आई भोजन ले जा उनके आगे रख दा लेकर के थाली में भोजन भगवान राम चलल हुन वही बाबा भोलेनाथ शिवदानी के आगे थाली रख दिल उठा करके भोजन शिवदानी जे भी मुंह में डलन पगुरी जवन 80 की स्पीड में करत रहलन गच्छ दे लेके धूप हो गइल लगलो यार आराम आराम से खाए धीरे धीरे खात बाड़न अंदाजा थवन ई भोजन यहाँ कैसे पर्वत पहाड़ का भोजन अयोध्या में मिलल तो कैसे मिलल पेट भर गई शिवदानी ढेकार मरला खड़ा भइल त्रिशूल डमरू हाथ में जटा फहरौला असली रूप में अलम विकराल रूप डमरू तड़तड़ तड़तड़ बजे लगल गईला वही भंडारा घर की ओर जहाँ भोजन बनत रहल भगवान राम हाथ जोड़ के खड़ा हुआ दुहाई सरकार को एने की धर चली चल के आसन धरी कहल की एकदम ना हम पहले जाई भंडारा घर को भंडारी के देख भंडारी आखिर आई कहाँ से भगवान राम सोचे कि जैसे जहाँ भेदवा खुल जाए कि सती आई नहीं देर रात हुआ हाथ जोड़ले वो कहलो महाराज हेने चली कहलो हेने चलो निक करे वाला के इनाम देवल जरूरी होला पेट भर गई शिवदानी मल्ल ना गईल जाके जो ही पर्दा हटौलो हम घूम करके माई पार्वती हाथ जोड़ करके खड़ा हो गई शिवदानी तकलक अलग हो कैसे तू ए हर कैसे माई पार्वती कहली तू कैसे कल हम के नेवता रहल कहली कि हम के नेवता रहल
थोड़ो कितने बाकी तुहके नेवता खाए बदे मिलल हल आ हमके नेवता बनावे बदे शिवदानी भोलेदानी ताक रहल वन माई पार्वती के कलाई धैले कल चला चले के भगवान राम हाथ जोड़ल इशारा करत हुन माई पार्वती के लेके इनके जल्दी जा नहीं अयोध्या का पानी चल जाई पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा भंग हो जाई माई सती हंस तारी चिंता मत करी रहूंगा लेके जाई जरूर बाकी दो मिनट घूम करके शिवदानी तकलो भगवान राम की ओर कहलो कि जा तनी कुछ वरदान मांग लो भगवान राम कहलो कि का वरदान मांगी बाबू की आत्मा के शांति बदे भोज कैले मरला सबका शांति अकेले भोजन क गई लो अब हमके का वरदान देबो शिवदानी हंसे लगल कहलो अरे महाराज कौना भरम में बाड़ो तोहरे हाथे से जही दिने पिंडा मिलल ओही दिने तोहरे बाबू के खातिर स्वर्ग के द्वार खुल गई कहला का मतलब कि केहू की घरे जब मुहनी होले माई मरे बाबू दादा दादी मरे 13 दिन का गौन के 13 पिंडा अर्पित करे के होला पीपर के पेड़ के घंटा बांधे के होला कहावत लोग कहला कि जियते पियवा बात न पूछे मुहते पीपरा पानी दे पानी ए भैया शिवदानी कहे लगल कि 13 पिंडा अर्पित कैल तुहरे बाप की आत्मा के शांति मिल गई अब हम जात बानी कुछ वरदान मांग लो भगवान राम हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ ब्राह के आखिरी भाव बतावल गई एक लाइन हम कहिला आइल जे गईल जे आई उ जाई जेकर आकार बनल बेकार होई ई शरीर नश्वर शरीर नर की शरीर है एके बेकार हो जाए के हाँ। नहीं तो ये घड़ी तो निक वाले की बुढ़ारी में बैठ के मनई रोज ये कहथवन की हमार कहिया कागज फाटी भगवान जवना बूढ़ पुरनिया के लैका अंगुरी बिरावत हो ऊ बूढ़ पुरनिया रोवत हो यही कहत हो भगवान जल्दी कागज हमार फाड़ दा ले चलो जल्दी ए भैया बाकी हम कही लगा ई बात और ई लाइन हमारे ठेकेदार भैया खातिर भी हो सकेले कैसे अरे अपना मिली ए भैया अपना मिली ए भैया अपना मिली तो जे करी मर गईल मातारी अपना मिली अब ना मिली पंधारी गुरु रामदेव गुरु बेचन गुरु ये लोग गावे कुछ गीत जवान है जवान कब बो रही हन उन्हन गीतन कब बढ़ोती ना जाई और अब ना मिली भैया अब ना मिली ये पंचो कब ना मिली कन्यानुआ का तारा तारी अब ना मिली जोड़ करके भगवान राम विदा करत हुन शिवदानी भोलेदानी के और माई पार्वती के जग पूरा भइल सब खाइल शिवदानी खइलन भगवान राम विदाई करत हुन कैसे और माता महारानी अपने शिव के ये मनाया जा यही अवधि नगरिया तब भोजन आओ
लोग कहेला भक्ति कहले से मुक्ति मिले ले। तीन दिना हो गए शिविर लगल है बढ़लगंज में, बड़ा दूरे दूरे से लोग जात हो, कलिया संधिया खत्म हो गए, वही जाके लोग कलटिया मरत हो। ए भैया भगवान राम हाथ जोड़ के शिवदानी से एक के बात कहत हुन, लोग कहेला कि भक्ति से मुक्ति मिलेला, आपन भक्ति हमके प्रदान करी, यहाँ से प्रस्थान करी। शिवदानी भोले दानी हो मस्त कही के चलल हो माई पार्वती के लेकर के, जाते जाते माई पार्वती घूम के तकली भगवान राम की ओर चेहरा उदास, कहली कि झूठो को उदास बानी। भंडारा घर में सगरी भोजन जस का तस पड़ल हो, भागल गई भगवान राम देखत हुआ कि भंडारा घर में सब भोजन पड़ल हो, कबो भंडारा घर का भोजन ताके तो कबो शिवदानी के ताके, कहला का मतलब कि भगवान राम का जवन भरम रहल खत्म हो गई कि शिवदानी खाए ना हमार परीक्षा लेवे आई लल, अगर खैतम तो भोजन ना रहत, अगर भोजन होते ही खैले नहीं खन। ए भैया हो भगवान राम सब लोगन के दुआरे से भोजन करा के विदा कैलन, बाबू को भोज पूरा भइल, राजा दशरथ की आत्मा के शांति मिलल, बेटी विद्वान बलवान धनवान होई, घाटे पर ले जाके बेटी से मुखयाग्नि दिलवा दीजिएगा, तब माई बाबू सोइला जई हन, नाजर हन सही से नाजर हन, आ लइका जाई मुखयाग्नि देई, माई बाबू का शरीर जोर के बोर के राखी हो जाई। भलाई लरबरा रही तो का करी। ए भैया यही से कहल जला कि बेटी धनवान विद्वान बलवान हो, बेटी के हाथ से पिंडदान दिलवाइएगा, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाई, लड़का चाहे बड़ चाहे छोट, 13 दिन का गौन के 13 गो पिंडा अर्पित करी, स्वर्ग का द्वार खुल जाई। आपका पितर हमार पितर जे पुरखे में उ सब दंदन दंदन जाई, एकदम दौड़त हल ले लोग वही में। कुछ लड़का ऐसनो हमन जे मुसीबत में हो, मुसीबत का मतलब जे दूसरा का नौकरी करत हो, जे अपने देश से बाहर विदेश में बा, थाईलैंड बैंकॉक में हो, संजोग वश माई बाबू मर गई ना, फोन जाई वीडियो कॉलिंग पर लड़का रोई भोकर भोकर, वीडियो कॉलिंग पर मुखयाग्नि दई, ऑनलाइन माई बाबू के जराई, पैसा कही कि अभी मिलने का नहीं, कही फोनवा पर कि कर्जा लेने का, बाबू को जलाने का काम करने का, मैं आने का तो देने का, देने का घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, तब माई बाबू तर जाई। आखिरी भाव है लोग कहेला कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल, जे जैसन करी वैसन भरी, चाहे हम हो दुनिया के कोई भी होखे, भाव हो। गुरु गणेश राम लाल गुणकारी, और मकरी चंद्रिका के पीछे फूला